फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएमसी इंदौर। मैं साक्षी, आप सभी का सीएमसी इंदौर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, एसआई की पोस्ट का आप बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये पोस्ट आई तो है मध्य प्रदेश में नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये पोस्ट आपको देखने को मिली है बिहार में। तो चलिए जानते हैं पूरे की पूरी इस डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में कि कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है और कैसी क्या पोस्ट यहाँ पर हमें देखने को मिली है। तो दोस्तों, सबसे पहले बिहार पुलिस की तरफ से ये पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। बिहार सरकार के गृह विभाग में पुलिस अवर निरीक्षक के लिए आपको रिक्त पदों पर क्या किया जाएगा, आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूंगी, बिहार में एसआई के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिली है, जिसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है आपकी 5 नवंबर 2023। जी हाँ दोस्तों, 5 नवंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको टोटल जो वेतनमान मिलेगा लेवल 6 के अनुसार आपको क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर की आपको ये पोस्ट है। और 1275 फ्रेंड्स, अपने आप में एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। किसी स्टेट में इतनी ज़्यादा एसआई की वैकेंसी आपको बिहार में देखने को मिली है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे जानते हैं कि इसके लिए आपको अभी हाल ही में विज्ञापन जारी किया गया है और फॉर्म भरने की आप स्टार्ट डेट है आपके 5 अक्टूबर से फॉर्म भरना इसके स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, इसका क्या किया जाएगा, आपका ऑनलाइन फॉर्म मंगाया जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा और अभ्यर्थी द्वारा एक ही ऑनलाइन भरा, मतलब एक ही फॉर्म भर पाएंगे ऑनलाइन। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे फॉर्म भर दें, अलग अलग नाम से भर दें, तो ऐसा कुछ भी नहीं जाएगा, एक ही फॉर्म भरा जाएगा यहाँ पर। और नियुक्ति हेतु सरकार ने ये पूरी की पूरी इसके अकॉर्डिंग रहेगा। मेन पॉइंट्स इसमें जान लेते हैं कि कौन यहाँ पर भर सकता है, क्या पात्रता है। तो आपके लिए मेन पात्रता रखी गई है कि आपका इंडियन सिटीजन होना कंपलसरी है, ना कि पर्टिकुलर स्टेट का सिटीजन होना। मतलब भारत सरकार, भारत का कोई भी नागरिक क्या कर सकता है, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो आप इस एसआई की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो दोस्तों आप इस फॉर्म को जरूर भरो। हमारे प्रदेश में नहीं आई तो क्या हुआ, हम दूसरे प्रदेश की वैकेंसी को छीन लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, आपके लिए आप अगर काबिल हैं तो बिल्कुल आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो आप इस एसआई की पोस्ट को जरूर भरें, क्योंकि भारत नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब हम नागरिक तो हैं फिर भी फॉर्म नहीं भर रहे। और साथ ही साथ इसमें पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर, जो आपकी एलजीबीटीक्यू समुदाय है, वो भी क्या कर सकता है, थर्ड जेंडर जो है वो भी क्या कर सकता है, इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। अगर यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आपका 1/8/2023 तक किसी भी आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना चाहिए या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब आपका किसी भी कॉलेज से क्या होना चाहिए, जो सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी है, आपका सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी कब तक, 1/8/2023 तक। अगर आपका ग्रेजुएशन है कंप्लीट मांगा गया है, रनिंग नहीं है, तो 1/8/2023 तक अगर आपका कंप्लीट ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को फिलअप करें दोस्तों। अगर एज आपकी बात करूं तो 1/8/2023 के आधार पर ही क्या की जाएगी, आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। तो देखो, आपका 10th के बेस पर एज कैलकुलेट होगी। इसमें बोला गया है कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 37 ईयर, महिलाओं के लिए भी 20 साल और अधिकतम 40 साल। अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करूं यहां पर, तो महिलाओं के लिए 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष, पुरुष और महिला दोनों के लिए। एससी और एसटी कैटेगरी के और जो थर्ड जेंडर पार्टी है उसकी अगर बात की जाए तो मिनिमम 20 साल और अधिकतम 42 साल। और बिहार के जो सरकारी कर्मचारी हैं सेवा संपर्क में आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं में अधिकतम आयु क्या है, आपको 5 साल की बिहार के लोगों को छूट दी जाएगी और न्यूनतम सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि अगर उन्होंने पूरी की हो। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए इसमें क्या है, अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष अगर सेवा में बिताई है तो उनको यहाँ पर कट ऑफ तिथि को 57 वर्ष तक वो फॉर्म फिलअप यहाँ पर कर सकते हैं। शारीरिक मापदंड की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ऊंचाई, सीना और वजन के लिए आपको कोई अंक नहीं मिलेगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूनतम जो उनकी शर्तें हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी। और जो जनरल कैटेगरी के हमारे पुरुष छात्र हैं उनको क्या करना पड़ेगा, मेल स्टूडेंट्स के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट के जो मेल स्टूडेंट्स हैं उनके 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। एससी और एसटी अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के जो पुरुष छात्र हैं उनके लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई आपकी 155 सेंटीमीटर रखी गई है। तो जिन महिलाओं की हाइट जो है वो 155 सेंटीमीटर है तो वो क्या करें, इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें दोस्तों। और सीना सिर्फ पुरुषों के लिए रहेगा, बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। और एससी एसटी के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर, ये सब है। महिलाओं का सीना नहीं नापा जाएगा। वजन, महिला उम्मीदवारों का न्यूनतम 48 किलो वजन उनका होना आवश्यक है, तो खाना पीना शुरू कर दो, है ना, ये सब चीज़ें यहाँ पर रखा गया है। नियुक्ति क्या रहेगा, तो मेन पॉइंट आप बात करते हैं कि मैडम
फॉर्म तो हम भरते हैं, सिलेबस क्या रहेगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आपका क्या किया जाएगा, रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? लिखित प्रतियोगिता परीक्षा लिया जाएगा। और यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए क्या किया जाएगा, देखो देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, कैसे आपके एमसीक्यू पैटर्न्स पे क्या होंगे, आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब सबसे पहले तो मैं बताऊँ, ये दो चरणों में होगी। फर्स्ट आपका क्या होगा, प्रीलिम्स होगा, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। इसके कोई भी जो नंबर हैं वो काउंट नहीं होंगे, मतलब सिर्फ कट ऑफ बनेगी, मेरिट बनेगी वो आपकी सेकंड के आधार पर बनेगी। सेकंड जो आपका एग्जाम होगा उसके बेस पर। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पेपर होगा। 200 अंक मतलब 200 नंबर का क्या होगा, आपका एमसीक्यूज होगा, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 100 क्वेश्चंस, नंबर ऑफ मार्क्स रहेंगे उनके 200, मतलब एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। और 2 घंटे आपको दिए जाएंगे 100 प्रश्नों को हल करने के लिए, मतलब टाइम भी आपके पास सफिशियंट है। और यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसमें 30% से अगर कम आपने प्राप्त किए हैं तो बाहर कर दिया जाएगा। और 20 गुना बच्चों को क्या किया जाएगा, आगे की प्रोसेस के लिए जो मेंस एग्जाम है उसके लिए यहाँ पर लिया जाएगा। सेकंड पेपर जो होगा वो आपका क्या होगा, मुख्य परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा का कितना, 20 गुना बच्चे, जैसे कि 1200 कुछ पोस्ट हैं तो 20 गुना क्या लिया जाएगा, यहाँ पर बच्चों को लिया जाएगा मेंस एग्जाम देने के लिए। इसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा वो 200 अंकों का सामान्य हिंदी का होगा, मतलब 200 नंबर का हिंदी का आपका पेपर किया जाएगा, जो कि 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 30% लाना आपको कंपलसरी है। और हिंदी का क्या करेगा, आपका हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा, मतलब यहाँ पर सिर्फ क्या रहेगा, ये क्वालिफाइंग रहेगा। सेकंड प्रश्न पत्र आपका रहेगा सामान्य अध्ययन, जिसमें आपकी जीएस आएगी। सामान्य विज्ञान, आपका विज्ञान विषय आएगा, जो कि मैं आपको पढ़ाती हूँ दोपहर में 11 बजे से लेकर 12 बजे तक आपकी साइंस की क्लास चलती है दोस्तों। नागरिक शास्त्र रहेगा, भारतीय इतिहास रहेगा, भारतीय भूगोल की क्लास आपको सुबह 9 बजे से 10 बजे तक सीएमसी इंदौर की यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। गणित की क्लास दोस्तों, ये क्लास आपको चलती है सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, ये भी आपको सीएमसी इंदौर की यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। और यहाँ पर मानसिक योग्यता और जाँच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक क्या होगा, 200 अंकों का होगा, टोटल 100 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का पेपर रहेगा। और दोनों चरणों की परीक्षा में गलत उत्तर के लिए क्या रहेगा, 0.2 अंक, मतलब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और उत्तर पुस्तिका भी आपको 2 प्रतियों में मिलेगी, जिसकी प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। अब यहाँ पर मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन क्या किया जाएगा, कोटिवार मेधानुसार शारीरिक दक्षता, मतलब 6 गुना किसके लिए बुलाए जाएंगे, आपके फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। और शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। और यहाँ पर आहार प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा, मतलब अगर टोटल उनको आहार विद्यार्थी नहीं मिले तो उनका कुछ रेशो कम भी हो सकता है। और जो तृतीय चरण किया जाएगा आपका फिजिकल रहेगा। तो दोस्तों आपके लिए ये दोनों मेंस एग्जाम जो रहेगा वो दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कौन सा, जो मेंस एग्जाम के नंबर रहेंगे वो आपके काउंट होंगे, जिसमें 200 नंबर का पेपर जो आपका हिंदी का रहेगा, जो कि आपकी 4 बजे से लेकर 5 बजे तक हिंदी की क्लास चलती है दोस्तों, है ना, हिंदी की क्लास आपकी ये रहती है। सीएमसी इंदौर पर आपको हिंदी की भी बहुत बेहतरीन क्लास मिल जाएगी। हमारे हिंदी के जो जितेंद्र सर है वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री मिल रही है। और इसी के साथ आप अगर हिंदी का पेड कोर्स लेना चाहते हैं दोस्तों, तो सीएमसी इंदौर एप्लीकेशन पर जाओगे आप प्ले स्टोर पर, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, हिंदी का पेड कोर्स भी परचेस कर सकते हो। वहाँ पर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सर ने पूरी प्रॉपर हिंदी पढ़ाई है। और अगर आपको रिवीजन करना है तो आप यूट्यूब चैनल पर उनसे हिंदी का फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई फीस नहीं देनी है। तो आप हिंदी अपनी बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हो। सेम ऐसे ही आप अपनी जीएस की, साइंस की, मैथ्स की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब की भी तैयारी कर सकते हो। तो टोटल आपको 400 नंबर का पेपर होगा, 200 क्वेश्चंस आएंगे, 2-2 घंटे का आपका पेपर आयोजित किया जाएगा। ये सब रहेगा, जिसमें आपका फाइनल मेंस एग्जाम के आधार पर क्या रहेगी दोस्तों, मेरिट रहेगी। इसमें हिंदी का क्लियर नहीं किया गया है कि देखो हिंदी के क्या बोला गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा। 2 पत्र होंगे, पहला हिंदी का होगा, 100 अंक होंगे, जिसमें 30% लाना कंपलसरी है, मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा, मतलब मेरिट आपकी ये जीएस वाले पोर्शन से बनेगी, लेकिन हिंदी आपका करना है, क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी है, ठीक है। मेधा निर्धारण में आपका ये सामान्य विज्ञान वाला पेपर रहेगा। तृतीय चरण में आपका फिजिकल रहेगा दोस्तों।
ठीक है, फिजिकल में आपको दौड़ दौड़वाया जाएगा, जो आप अभी कांस्टेबल में बहुत बेहतरीन तरीके से कर भी रहे हो तैयारी उसकी कांस्टेबल की, तो इसमें भी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा, दौड़ करवाया जाएगा, महिलाओं को भी दौड़ करवाया जाएगा, ऊंची कूद लंबी कूद आपको कुंदवाया जाएगा और गोला फिकवाया जाएगा, जो कि आप बिल्कुल कर भी रहे हो, है ना। ये सब चीज़ें आपसे क्या है फिजिकल में करवाई जाएगी। अब मेधा सूची आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और मेरिट लिस्ट में आपका साफ मेंशन किया गया है कि उनके स्थान का निर्धारण, जैसे कि कोई के सेम नंबर आते हैं तो सेम नंबर प्राप्त करने की स्थिति में उनकी जो पोजीशन मिलेगी उनकी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर किया जाएगा, मतलब जिसकी एज ज़्यादा होगी उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर समान अंक प्राप्त करने में आपकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम है फिर आप बोलोगे तो फिर क्या किया जाएगा, तो फिर अभ्यर्थियों की मेधा सूची में उनके निर्धारण कैसे किया जाएगा, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेस पर किया जाएगा। जैसे किसी ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले को क्या दी जाएगी, यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। टेंथ बोर्ड का प्रमाण पत्र आपका लगेगा, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्या दी गई है, ये सब चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, और पूरी पोस्ट बताई गई हैं कि कितनी क्या यहाँ पर पोस्ट हैं, ठीक है। पुलिस अवर निरीक्षक की भी अलग से पोस्ट है, देखो 1275 पोस्ट यहाँ पर टोटल आपको देखने को मिली है, जिसमें महिलाओं के लिए 368 पोस्ट जो अलग से निर्धारित यहाँ पर की गई हैं, और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए लगभग 22 पोस्ट यहाँ पर निर्धारित की गई हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका डिटेल पूरा का पूरा कंप्लीट यहाँ पर नोटिफिकेशन था दोस्तों, और ये नोटिफिकेशन आपको डिटेल जानना है तो ये मिल जाएगा आपका CMC इंदौर टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर CMC इंदौर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको ये डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।